तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र में गुरुवार को हल्की बारिश हुई, जबकि चेन्नई शहर और आसपास के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ और लोगों को परेशानी हुई। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है, जिससे वहां का तापमान काफी गिर गया है। राजधानी के कई हिस्सों में गुरुवार को यातायात जाम देखा गया। रात भर बारिश जारी रहने की वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, साथ ही निचले इलाकों में स्थित कुछ घरों में पानी घुस गया है और बिजली भी गुल हो गई है। चंडीगढ़ से मिले समाचारों के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश हुई, जिससे तापमान में कुछ डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। शिमला से मिले समाचारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों और ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मध्य और निचली पहाड़ियों पर तेजी और बर्फीली हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश होने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्से तीव्र शीतलहर के चपेट में हैं। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। स्काईमेट के अनुसार आज शुक्रवार को तटीय तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें संभव है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान और बिहार, छत्तीसगढ़ और आंतरिक आंध्र प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है।